नमस्ते, कोनिच्वा एंड गुड मॉर्निंग। कल एक रात का सीन दिखाया था मैंने आपको, और आज देखो ऐसा सवेरे उठे हैं, बहुत जल्दी जा रहे हैं समुद्र किनारे। और अब मैं दिखाता हूँ आपको सवेरे का भी सेम लोकेशन का। रात को यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा था ना इस पेड़ की वजह से, और मैंने बताया था ना यहाँ गाड़ी खड़ी रहती है जो पिछले ब्लॉग में बताया था, तो इसके भी जैसे ही फ्रंट व्यू नहीं दिखता। ये सीन, रात को यहाँ पे लाइटिंग जल रही थी। ये सब जिन लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा था ना उनको पता है, आज ही ब्लॉग में सवेरे से स्टार्ट हो रहा था। सवेरे ये व्यू है, सवेरे रात को सारी बिल्डिंग्स ऐसे मतलब बहुत अच्छी लाइटिंग होती थी। अभी नेचुरल लाइटिंग दिख रही है आसमान, अब बादल। ये आकाशी अर्ली मॉर्निंग 5 AM। आया मजा? तो ये था आज का स्पेशल स्पेशल मॉर्निंग। अब चलेंगे हम घूमने समुद्र किनारे, और वहाँ के सवेरे के सीन दिखाएंगे आपको, क्या देखते हैं। और आज पूरे दिन लगभग घूमना ही है, और सब कुछ सरप्राइज़ है, अभी बता दूँगा। तो फिर आने वाली वीडियो में आपको शायद ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको दिखता रहेगा सब कुछ। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सीन में। ओह, थोड़ा लेट हो गए, जल्दी जल्दी करते भी निकलते हैं। बताओ, सनराइज़ देखने का सीन था वो तो मिस हो गया, एक ये सरप्राइज हो गया। और बारिश भी हो रही है, वो सवेरे का टाइम बड़ी तेज ही बीतता है। कभी उठे हो देखो, 5 मिनट में सीन चेंज हो जाएगा आसमान का। अब सूर्योदय तो हो चुके हैं, आगे देखते हैं क्या देखने को मिलता है। पर बारिश भी शुरू हो गई है, देख रहे हो शीशे गंदे हैं ना, इसलिए बाहर कुछ देख नहीं रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। जल्दी जल्दी करने में लेट तो हो गए, और जिम्बल भी छूट गया। सोचा था कुछ अच्छे शॉट ले लेंगे, जिम्बल होता है तो उससे थोड़ा स्मूथ शॉट आते हैं, हिलते नहीं, और मैं स्टैंड करके दूर जा सकता हूँ इसको मोबाइल को रख कर। तो कोई नहीं, अभी स्टार्टिंग ऐसी भी है, अभी दिन देखते हैं कैसा भी। सफरे के सीन के आनंद जो आप उस दिन में तो दिखता ही, अधिकतर मैं जब निकलता हूँ 10-11 बजे के होते हैं। आज सवेरे पहली बार निकला हूँ यहाँ पे, आज 11 फरवरी 2024 दिन संडे। इतना अच्छा मौसम है, सवेरे उठने के बाद ना एक अलग ही फीलिंग आती है, इसलिए उठना चाहिए जल्दी जल्दी। मैं तो उठ जाता हूँ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे भी रोड को छोड़ा किया जाता है, गाड़ियाँ तो हर जगह बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो और ज़्यादा चौड़ी रोड की रिक्वायरमेंट है। कई बार तो क्या होता है ना, मैंने ऐसा भी देखा है कि मेरे सामने ना लगभग 100 मीटर की दूरी पे बारिश हो रही होती है, और मैं इधर रुक के बारिश रुकने का इंतजार कर रहा होता है ना, अजीब सा सीन मुझे भी लगा था पहली बार। तब से मुझको पता लग गया कि एक साथ नहीं होती सवेरिया में बारिश, वो मानसून की बारिश होती जो एक साथ सब जगह पर ऐसे होते हैं। पर ज़्यादातर यही होता है कि आपके एरिए में बारिश हो रही होगी तो किसी दूसरे एरिए में थोड़ी दूरी पर नहीं हो रही होगी। गाँव में तो मैंने वैसे भी देखा हुआ है कि बारिश आ रही होती है हमारी तरफ, जैसे बादल देखे होंगे ना उड़ते हुए, बारिश आ रही होगी, अचानक हवा चलती है वो साइड साइड से दूसरे गांव में चली जाती है,
हमारे गांव में नहीं पहुंचती, खुली जगहों पे ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। वहाँ का मौसम बादल तो लगे हुए हैं अच्छे वाले, अधिकतर ना सवेरे शाम तो बारिश हो ही जाती है, तो सवेरे का कल दिन में भी हो गई थी पहली बार, वो मैंने आपको दिखाया था, जिन लोगों ने नहीं देखा ब्लॉग वो देखेंगे जाके पिछले ब्लॉग, तो उसमें दिखेगा बारिश का सीन भी। हाँ पता है मुझे कि बारिश देखी है आपने, पर हर जगह के ना सीन डिफरेंट होते हैं, इसलिए रिकॉर्ड कर लिया, मेरे लिए तो मेमोरी है, लेकिन नहीं बाकी आप जब देखोगे तो पता लगेगा कि हाँ कुछ डिफरेंट है कि नहीं है, देखने में पता लगेगा। थोड़ा वेट करेंगे, मौसम ठीक हो गया और बारिश भी रोज तो धीरे धीरे होती थी, आज तो पूरे बछार की संग हो रही है। मैंने बताया ना बीच बीच में कहीं भी रुक जाती है बारिश, और फिर बीच में किसी जगह पे हो रही थी, किसी पे नहीं हो रही थी, हमारे चलने वाली जगह पे थी, बीच में नहीं थी, अब यहाँ पहुँचे वहाँ पे हो रही है, वो भी अच्छी वाली हो रही है। तो बारिश खतरनाक, बस एक चीज़ अच्छी हो गई कि मैंने पैदल घूमने का प्रोग्राम बनाया था, ये ना तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया सरप्राइज हो जाता फिर तो। भाई सब जब से दिल्ली से चला हूँ ना, भगवान जी ने पूरा ख्याल रखा हुआ है, देखो बारिश रुक चुकी है और अभी हूँ मैं कीरा बीच पे, व्यू देखो यहाँ का, जिन लोगों ने आज ब्लॉग देखना शुरू किया है उनको बता दूँ, जब दिल्ली से चला था ना मैं उस दिन फर्स्ट डे बारिश स्टार्ट हुई थी, और वो भी हल्की फुल्की नहीं बहुत तेज, और जब एयरपोर्ट पे निकलना के लिए टाइम हुआ मेरा, रुक गई बारिश, बिल्कुल रुक गई एकदम, जैसे अभी रुक गई है, नज़र ना लगे, एक दो बूंदें पड़ने शुरू हो गई, जैसे मैंने तारीफ़ करनी शुरू की है हो जाता ना कई बार। और फिर जब मलेशिया पहुँचे तो वहाँ पे भी मतलब फॉरकास्ट था बारिश का, पर पूरे दिन जब तक हम वहाँ रुके थे धूप रही, हाँ बाहर नहीं निकल पाए घूमने के लिए, क्योंकि आशीष के साथ मैं था वो कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा था, तो आराम कर लिया पूरे दिन, पर धूप निकली रही। और फिर फ्लाइट पकड़ी यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए, और जैसी फ्लाइट में बैठे वैसी फिर बारिश स्टार्ट हो गई। कहने वाली बात यह है कि जब रास्ते में रहता हूँ ना, मतलब घूमना नहीं रुकने देते भगवान जी, है ना, थोड़ा उनका भी हो जाता है थोड़ा मेरा भी हो जाता है, बस ऐसे ख्याल रखें और घूमना चलता रहे मेरा, है कि नहीं, और आपको अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलते रहे, और क्या चाहिए। और इसके लिए बस थोड़ा सा आपको अपनी उंगली को कष्ट देना पड़ेगा, मैंने बताया ना सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब भी मेरा ख्याल रखेगा, और आपको और अच्छे वीडियो आगे देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और जगह भी घूमते रहूँगा, क्योंकि मुझे पता रहेगा आपको ये देखने में अच्छा लग रहा है, यूट्यूब को भी पता रहेगा कि आपको ये देखना पसंद है, तो इस टाइप की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बताया ना कि ब्लैक कलर की पट्टी में सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको जैसे टच करेंगे ना वो जो लाइन है मैजिकल वाइट हो जाएगी, गोरी हो जाएगी बिल्कुल तुरंत, और उसमें बनी घंटी हिलने लगेगी, टच करके देखो अभी पता लग जाएगा आपको। और इस बीच का नाम बताया मैंने क्या है, नहीं बताया तो कीरा बीच है इसका नाम, गोल्ड कोस्ट में, अभी पास भी चलेंगे, थोड़ा दूर का एक व्यू तो दिखा दूँ कि आसपास में क्या है, और देखो धूप निकल गई, भगवान जी ने पूरा ख्याल रखा हुआ है, फिर से बोलूँगा नज़र न लगे। हाँ हाँ अब सबसे पहला काम शूज़ निकालूँ,
उसके बाद फिर चलेंगे यहाँ। और वैसे यहाँ पे सुबह सवेरे पता क्यों है, एक रीज़न और है, ये ना हीरा क्लब है, लॉन्ग बोर्ड क्लब, यहाँ पे है कॉम्पिटिशन सर्फिंग का जिसमें मार्क नहीं पार्टिसिपेट किया, तो देखते हैं क्या होता है, किस टाइप का होता है और आपको भी दिखाता हूँ। अब एक चीज़ और देखो, मेरे बैकग्राउंड में आसमान इधर साफ है, बिल्कुल क्लियर है ना, और देखते रहो अभी क्या दिखाना चाह रहा हूँ पता लगेगा। और ये देखो यहाँ मौसम चेंज है, तो कभी भी उल्टी हवा चलेगी और ये बादल फिर घेर लेंगे। पर जब तक हम यहाँ पे हैं तब तक तो शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं मेरे बताया ना भगवान जी ने ख्याल रखा हुआ पूरा पूरा। ये लिखा हुआ टाइमिंग 7 AM स्टार्ट है और उसके बाद 10 बजे तक चलेगा प्रोग्राम। जो मार्क का है वो स्टार्ट होगा 7:20 पे। Hi there, it's Mark from Gold Coast, Australia. Just about to go in the first Kira longboard contest. This is a longboard. It's different from what they classify as a shortboard. So it's a longboard club. We all have these. We all surf on these 9-foot surfboards. कंपटीशन थोड़ी देर में शुरू होगा, तब तक मैं ये व्यू दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। और सब्सक्राइब तो कर ही दो, इतनी बार बोल चुका हूँ, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो फिर काम करने मज़ा नहीं आता, पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चुपचाप देखते हैं चले जाते हैं, ये कोई बात होती है। अच्छा हुआ टॉवल भूल गया मैं अपना, ना तो यहाँ जाने का मन था मेरा, तो यहाँ लहरें बहुत ज़्यादा ऊँची हैं, तो टॉवल ले आया होता ना तो भी नहीं जाता अंदर, तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है कि नहीं, देख लो एग्जांपल। जाना है तो इतना ही कि बस पैरों की उंगलियाँ डूब जाए पानी में, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने बताया ना सर्फिंग के लिए इसीलिए इसको अच्छी जगह माना जाता है, तो इतनी ऊंची लहरें जो सर्फिंग करते हैं उनके लिए है बेस्ट लोकेशन, नदी नहाने वालों के लिए नहीं है, रुका हुआ पानी अलग होता है कि नहीं। बस इतना काफ़ी है मेरे लिए, तो थोड़े से ऐसे ऐसी पानी की लहर आ जाती है बहुत तेज, जैसे अभी केवल उंगली डुबाने की बात हुई थी, कितना पानी इस जगह पे ना, मैंने फील किया पैर नहीं उठाना चाहिए, अगर हल्का सा पैर उठाया ना तो सच में पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। पंजे गड़ा के रखो और डटे रहो तब तो ठीक है, और ये वाला फार्मूला केवल ये किनारे किनारे तक ही है, किनारे मतलब जहाँ पे केवल पंजे डूबने हैं पानी में, थोड़ा अंदर जाएंगे ना तब नहीं चलता ये वाला फार्मूला, फिर तो तैरना आना चाहिए तब तो ठीक है, ना तो फिर लॉटरी लग जाती है। जिम्बल होता ना भी तो इसको लगाता मैं यहाँ, जिम्बल में स्टैंड होता है ज़मीन पे और फिर फुल व्यू मिल जाता मेरा घूमते हुए। अब क्या है बस क्लोज़अप क्लोज़अप आना है, और हर चीज़ का एक अलग ही मज़ा होता है।
फ़ोटो तो फ़ोटो ही होती है, जैसे पूरी खींच लो या आधी खींच लो, आधे दिखो, कहने का मतलब आधे दिखो या पूरे दिखो, और एक डिफरेंट लुक मिलता है। उसको जुगाड़ करने की कोशिश करता हूँ जिससे एक आपको समझ आ सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये लकड़ी मिली है, जुगाड़ किया है इसको रेत में दबा करके, अब इस पर मोबाइल रखने की सेटिंग बना रहा हूँ, ऐसे बना दिया, देखते हैं क्या होता है। खाली लकड़ी पे तो गिर जा रहा है, तो स्टैंड बना के रखते हैं कोक का कैन, ठीक है ना। अब शायद बेस बन जाएगा, बैक सपोर्ट भी मिल जाएगा। कर दिया जुगाड़, जुगाड़ में इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब देखते हैं ऑडियो कहाँ तक मिलती है आपको। आ रही है आवाज, मैं भी चेक कर ले रहा हूँ इसी बहाने कि आवाज, ये जो मेरा माइक है कहाँ तक काम करता है। मार्क को देख रहा हूँ यार, रिकॉर्डिंग करते करते भूल गया कि मार्क को भी रिकॉर्ड करना है, पहले उसको देख लूँ। सेटअप तो सही बन गया। अब भाई उन्होंने बोला है कि ज़रा मेरे को शूट कर लेना, मतलब कैमरे में कैप्चर कर लेना, और स्पेशली जब कोई बोल देता है थोड़ी सी ड्यूटी हो जाती है, तब ये भूल गया तो काम ख़राब हो जाएगा, रुका भी उन्हीं के पास में। ओ जो सोचा था वही हो गया। अब इतनी सारी भीड़ है ना भाई, मार्क कौन है ये नहीं पहचान में आ रहा है। पहले तो ये पहचान थी कि रेड टी शर्ट पहनी होगी, ये बंदे ने पहनी है, पर ये मार्क नहीं है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ, मिस कर दिया लग रहा है, ढूंढ रहा हूँ। ओ ब्लू बोर्ड दिख गया, ब्लू बोर्ड है, सर्फिंग बोर्ड मिल गए भाई साहब, मुझको तो मिल गए। अभी दिखाता हूँ, पर जाते वक्त शॉट नहीं ले पाया, आते वक्त तो ले ही लूँगा। देखो इतने सारे लोग तैर रहे हैं, बस कलर से ही हो पाती है पहचान। धूप देख रहे हो कितनी तेज निकल गई है, तेज धूप हो जाए तो भी दिक्कत हो जाती है, बारिश हो जाए तो भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, मिला जुला मौसम है, खैर मज़ा आ रहा है, तो नज़रें बनाए रखना है क्योंकि फिर अब मिस कर दिया ना तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। रेड टी शर्ट जहाँ दिख रही है ना वहीं कैप्चर कर ले रहा हूँ मैं तो फिलहाल, पर एक निशानी कंफर्म हो गई है मेरी, वो रेड और ब्लू लोअर, मतलब स्काई ब्लू लोअर एंड स्काई ब्लू सर्फिंग बोर्ड, ये कलर तीन कॉम्बिनेशन जहाँ पे मिलेगा बस वहीं पे कैप्चर कर लेंगे। पंजे ऐसे गाड़ के खड़ा था मैं कि बस रेत में कवर हो गए पूरे 10 मिनट में, हिला नहीं मैं यहाँ से। ये देखो मार्को स्टैंडिंग में, अब आए हैं थोड़ा सा बाइक सब रेंज में, किसी भी स्पोर्ट्स को कवर करने के लिए ना थोड़े रूल पता होने चाहिए कि किस पॉइंट पर कवर करना है, और ये तो मेरे लिए टोटली न्यू है, कुछ भी नहीं पता। बस मुझे ये पता है सर्फिंग बोर्ड लेकर के लोग पानी पे तैरते हैं, अब इस कंपटीशन में क्या होने वाला है ये अभी कुछ पता नहीं है, न्यू एक्सपीरियंस है, पता लग जाएगा इसके बारे में भी आज के बाद।
थोड़ी सी जगह बदलते हैं। वो देखो ये है मार्ग, अभी तो मिल गया वह सब जगह बदलने, वो जगह ठीक नहीं थी जहाँ खड़ा था मैं, जगह जगह का भी असर होता है। खैर अब कैमरा रेंज में भी है तो इजीली कवर कर सकते हैं। हाय, वैसे रियलिटी में इस टाइप से ये प्रोग्राम कवर होता है जिसमें ड्रोन कैमरे यूज़ होते हैं तब ये शॉट मिलते हैं। मोबाइल से इसको कवर करना आप समझ सकते हो क्या दिखेगा, देख ही चुके हो। अगर मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं था तो थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया मैंने और आपके लिए ये टीवी से सीन ले लिया है। बहुत बड़ा स्पोर्ट्स होता है ये यहाँ का, जैसे फुटबॉल का मैच होता है ग्राउंड में, कुछ उसी टाइप का है सीन। यहाँ का ग्राउंड ये समुंद्र है। आओ घुमाए समुद्र किनारे, माइक चेक कर लेता हूँ भाई, चल रहा है ना? हाँ चल रहा है ना, तो अधिकतर ना सीन ऐसे ख़राब हो जाते हैं, मैं आवाज़ आई नहीं और मैं बोले जा रहा हूँ और बाद में फिर वो कट करना पड़ता क्योंकि इसके ऊपर क्या डबिंग होगी। कितने अंदर जाना है बताओ, और जाऊँ कहाँ तक जाना है बताया ना, सेफ है माल बड़ा है। वीडियो के चक्कर में ज्यादा अंदर चला गया। चलो देखा, भगवान जी ने इतना टाइम दे दिया, बहुत है, बहुत टाइम मिल गया हमको इतना घूमने के लिए। और दोबारा से अब वो अपने कार्यक्रम में बारिश करने के लिए तैयार हैं, बादल लग चुके हैं। अभी दिखाता हूँ आपको सीन। आओ फिलहाल तो किनारे बैठेंगे, कितना पानी में खड़े रहेंगे आखिर, हर चीज़ में थोड़ा
मज़ा तो आता है पर थक भी जाता है। अब देखो मौसम का हाल दिख रहा है ना आसमान, ऐसे हर तरफ से बादल घिर चुके हैं। ठीक है, कितना टाइम दे दिया, बहुत है। एक फास्ट मूवमेंट है, सेल्फी वीडियो है, मज़ा आता है मुझे सेल्फी वीडियो में। दुनिया फोटो लेती है, मेरे लिए वीडियो अच्छी है सेल्फी, है ना, आ रहा मुझे देखने में। बारिश शुरू हो गई है और यहाँ जो शेड लगे हुए हैं इसमें आगे खड़ा हो गया, तो यहाँ तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने का क्या फ़ायदा। अब तो हो सकता है गाड़ी में ही दिखाऊँगा जो भी सीन है। एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो बताता ना कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही होती है। वो सरफेस पर अडाई दिख रहा है, धूप निकली हुई है वहाँ पर, इसलिए बिल्डिंग ही चमक रही है। तो अभी हमारे एरिया में बारिश हो रही है और वहाँ पे नहीं हो रही है। देखा, रुख कर दिया ना, कि ऐसा ही होता है। जो लोग नहीं मान रहे होंगे उनके लिए ये थे, ऐसा नहीं है, सारे अनुभव मुझको ही हैं और लोगों को भी होंगे, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं है उनके लिए है। इतना टाइम दे दिया भगवान जी ने, काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्या करता हूँ, वही पानी में कूदते रहते है कि नहीं। ऐसे मौसम में भी सर्फिंग करने जा रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से जितनी ऊंची लहरें मिलेंगी उतना अच्छा है इनके लिए सर्फ करने के लिए। आप भी सोच रहे होंगे कि बोलता हूँ कि थोड़ी देर में दिखाऊंगा, अब यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, और फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, क्या करें। फोटोग्राफी चीज़ ही ऐसी है, कुछ सुंदर चीज़ देख के ना रिकॉर्ड किए बिना रहा नहीं जाता, और कुछ ना कुछ पॉइंट दिख जाता है तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। जैसे उस सरफेस पैराडाइज दिखा दिया, कुछ दिन पहले यहाँ पे गया था ना मैं समुद्र किनारे, मतलब पहले फर्स्ट डे तो यहीं पे गया हूँ जो समुद्र किनारे देखा, और इसके बाद गए थे हम जहाँ पे म्यूज़िकल प्रोग्राम था, क्या नाम था उसका, जहाँ म्यूज़िकल प्रोग्राम था, करमबीन बीच, नाम भूल जाता है, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। ये भी अच्छा है, ये वीडियो का ऑप्शन आ गया, इसमें सब याद आता है कहाँ कहाँ गए थे। करमबीन बीच किया था, और आज हम आए हैं हीरा बीच, सही बोल रहा हूँ ना, हीरा बीच। और ये लाइफ गार्ड यहाँ बैठे रहते हैं, तो जिन लोग जो लोग थोड़ी हिम्मत करके समुद्र में चल जाते हैं तो डरने वाली बात नहीं है, ये लोग बचा लेते हैं। अगर आपकी लाइफ है ज़्यादा तो बच जाओगे आप, अदरवाइज जिसका जितना टाइम है उतना ही रहना होता है, कोई नहीं बचा पाता, बस ये सब ऑप्शन है। इतनी बारिश हो रही है ना, एक कैंप का जो एंड है, क्योंकि कई सारे कैंप ऐड कर रखे हैं लाइन, तो बीच में भी कहीं कहीं पानी तो पड़ रहा है। ठीक है, बाहर भीगने से तो अच्छा है, थोड़े तो बचे हुए हैं। और बताओ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो फिर सब्सक्राइब कर दो, यही कह सकते हैं। ये देखो मौसम अभी इतना ख़राब हो गया है कि सरफेस पैराडाइज दिखना बंद हो गया है, यहाँ से जो भी दिख रहा था ना वहाँ धूप की, मतलब कि वहाँ पे ही बारिश होने लग गई है। ऐसे ही होता है यहाँ पे, मौसम चेंज हो जाता है। जो लोग समुद्र किनारे रहते हैं उन्हें तो ये बात पता होगी, यहाँ तो अधिकतर पहाड़ों और समुद्र किनारे रहते हैं, मौसम होता है कभी भी बदल जाता है, भगवान जी कभी भी नलका चला देते हैं। हो सकता है अगले 5 मिनट में धूप भी हो जाए। ये लाइफ गार्ड की टीम है, सर्फिंग कर करके ऐसा भी हाल हो जाता है, इस सर पे रख के लाना पड़ता है ये बोर्ड को। मज़ा आ गया भाई समुद्र किनारे ना, समुद्र किनारे पार्क में, मतलब जितनी नेचुरल जगह है ना उन जगह एक अलग ही फीलिंग आती है, दिल खुश हो जाता है कि नहीं। अब चलते हैं, पता नहीं कहाँ चलेंगे, अभी अचानक चलते चलते कुछ काम याद आ जाता है, मैं बोलता हूँ घर जा रहे हैं, घर जाने की जगह कहीं और पहुँच जाते हैं जैसे पिछले ब्लॉग में देखा है। तो बस अभी चल रहे हैं, ठीक है ना, फिर देखते हैं और दिखाता हूँ कि अगला सीन क्या होता है। ये कौन सा फ्रूट है, ऐसा लग रहा है बहुत सारे नारियल एक ही गुच्छे में लग गए हैं, नहीं, पेड़ तो काफ़ी बड़ा है, बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह है, पर फ़ायदा नहीं है,
बारिश तो आई रही थी उसके अंदर, ये देखो एक और लगा, सारे पेड़ों पे ना इस टाइप के फल वलेंगे, फल जैसे ही लग रहा है या फूल होगा ऐसा ही होता होगा कुछ। चलते चलते कुछ ऐसे ही वीडियो बना लेते हैं चुपचाप बिना कुछ बोले। आवाज़ तो नहीं आ रही ना मेरी? वीडियो दिखा दिखा दें गलत रास्ते पे आ गया। चलो कोई नहीं, शूज़ गीले हो जाएंगे, वापस चल लो भाई। उस रास्ते पे था और आ गया इस रास्ते पे बैठने वाले, अब घास पे चलने में तो समस्या हो जाएगी, समस्या जूते गीले होने वाली, और कोई बड़ी समस्या नहीं। और बरसात के टाइम में और जूते गीले हो जाएं तो ये भी छोटी मोटी समस्या नहीं होती। और यहाँ 5-5 मिनट में मौसम चेंज भी होता रहता है, धूप निकलेगी पर 5 मिनट की धूप में क्या जूते सूखेंगे, है कि नहीं? ख्याल रखना ज़रूरी है। देखो होटल न्यू फर्नीचर होम वेयर से, तो अच्छा पेस्ट्रीज कैफे भी है। तो मैं बताया था ना लोग ज़्यादातर बाहर बैठना पसंद करते हैं, अंदर कम, क्योंकि धूप बहुत कम मिलती है, यही कुछ टाइम होता है इस टाइम पे धूप होती है यहाँ पर। तो साल भर की धूप वो ले लेना चाहते हैं जितनी मिल रही है। अब इस बरसात के बाद तो यहाँ ठंड स्टार्ट हो जाएगी और दिल्ली में गर्मियाँ, ये है डिफरेंस मौसम का। ये बिल्डिंग्स है ना, फ्लैट्स नहीं है, तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं तो कितने महंगे फ्लैट्स होंगे। और बारिश के बाद तो वाह, वैसी भी साफ सुथरी जगह है और धुलाई के बाद और सुंदर हो जाती है। बारिश रुकी और अचानक फिर धूप निकल गई, ऐसी मौसम चेंज होता रहता है। हाँ, थोड़े टाइम के बाद अब देखो रास्ते में फिर क्या बता, फिर बारिश में जाए कुछ नहीं कह सकते। सिक्सटी का जोन है यहाँ पे स्पीड का, स्लो ड्राइविंग में। और ये जो खीरा बीज था ना, ये न्यू साउथ वेल्स में, तो मतलब ये दूसरे स्टेट में थे अभी हम। चलो यहाँ कोई बात नहीं, स्टेट चेंज हो रहा है, यूरोप में तो कंट्रियाँ चेंज हो जाती थी इतने इतने टाइम में। अब वापस जा रहे हैं हम क्वींसलैंड, अपने लैंडिंग वाले स्टेट में, यहाँ पे लैंड किया था। और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे, देखो लेन में खड़े हैं, ये नहीं है कि जो बीच मार्किंग रखी है उसी पर खड़े हैं। लेन ड्राइविंग करनी चाहिए, आखिर इतना पैसा गर्म में कितने खर्च कर रखा है, जो बीच में कितना पेंट खर्च हुआ है ना, समझना चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए। यही सब चीज़ें सुंदरता होती है, जो सब कुछ रूल के अंदर है, लेन में ड्राइविंग करना, कूड़ा इधर करना, फेंकना है ना, डेकोरेशन है इस तरह की। इतनी भीड़ में क्या होता है, 100 लोगों में 1-2 लोग तो मिल जाते हैं जेवर ब्रज चलने वाले, पर 100 लोगों में 98 लोग ब्रज चले ना इन इंडिया में, तो वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है, सिस्टम ख़राब होता है कि नहीं? तो ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह हम घर को सजाते हैं ना, अच्छी अच्छी चीज़ें रख के बढ़िया, मतलब जगह फिक्स होती है हर चीज़ की, ये चीज़ आ रहेगी तो घर अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है रोड की सुंदरता भी ना यही है कि रूल फॉलो करना, लेन ड्राइविंग और कूड़ा कचरा कहीं नहीं फेंकना। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो फॉरेन कंट्री वाला लुक आना शुरू हो जाएगा आपकी सिटी में भी, जिस जगह आप रहते हैं।
अदरवाइज इसके अलावा यहाँ पे है क्या, रोडे हमारी जा रहे थे वहाँ पे भी होती हैं, लहाज भी होती है, फुटपाथ भी होता है, घर भी होते हैं, गाड़ियाँ भी होती हैं, तब पर केवल है सफाई का और सिस्टम का। ये पहुँच चुके हैं अब हम विक्टर कैफे, यहाँ पे कल भी आए थे, यहाँ की माँ का है और उनका बेटा ऑपरेट करता है इसको। काफ़ी अच्छा नहीं मिली यहाँ पे आस पास के एरिया को, देखते हैं क्या यहाँ देखते हैं। और यहाँ पे गाड़ी पार्क हो गई है और ये है पार्किंग मशीन, यहाँ पे कि आप कार्ड से या फिर जो भी आपके पास डॉलर है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो भी फ्री पार्किंग है आज तो अच्छा, आज संडे है ना, और मैंने बताया था ये ऑफिस एरिया तो संडे की वजह से फ्री होगा, अदरवाइज और दिन भी फ्री होता तो मशीन की क्या जरूरत है। साउथ पोर्ट में है ना ये कैफे, जिन लोगों ने कल देखा था ब्लॉग उनको पता होगा, और जो आज देख रहे हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ कि अभी हम हैं साउथ पोर्ट एरिया में विक्टर कैफे, जो कि मार्क का है और उनके बेटे के थ्रू ऑपरेट होता है। आज ज़्यादा भीड़ इसलिए नहीं है यहाँ पर क्योंकि ऑफिस एरिया है तो संडे सैटरडे लोग ऑफिस बहुत ही कम आते हैं, किसी की ड्यूटी होगी तो आएगा, अदरवाइज तो छुट्टी होती है ना। तो इस कैफ़े में सोचो हर जगह चाय की दुकान पे, कॉफ़ी की दुकान पे भीड़ ही होती है बहुत, तो आज छुट्टी है इसलिए रश कम है और हमारे लिए घूमने के लिए अच्छी जगह है, ईज़िली घूम सकते हैं। भीड़ में क्या होता है ना, क्योंकि मैं तो कैमरे के लेंस में देख रहा हूँ, कैमरे को देख रहा हूँ, तो टक्कर होने के चांसेस रहते हैं, तो ध्यान काफ़ी जगह रखना पड़ता है। अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब पहुँचे हैं घर, अब इसके बाद तो अभी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है घूमने की क्योंकि बहुत थक चुका हूँ, रिकॉर्डिंग भी बहुत हो चुकी है, इसकी एडिटिंग हो जाएगी, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, ठीक है। तो तब तक जो लोग नए सब्सक्राइब करते हैं इस वीडियो को जरूर, जिससे आगे भी मैं आपको नए सीन दिखा सकूं और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, लाइक शेयर भी जरूर करें जिससे आपके जानने वाले लोग भी इसको देख पाएँ,